दिया जाता। खबर अशोकनगर से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी करेंगे। जी हां, जिससे महिलाओं में खासा। वहीं अशोकनगर में सीएम शिवराज की लाडली बहनें अपनी राशि निकालने के लिए परेशान होती नजर आई है। महिलाओं का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें बैंक में प्रवेश नहीं मिल रहा है। साथ ही टोकन के नाम पर 500 रुपए मांगने का आरोप भी लगाया गया। अम्मा, क्या नाम है आपका? मनीगढ़। कहाँ से आई हो? बामोरी से ही आई हूँ। काय के लिए आई हूँ? मेरे खाता खोलो सर, मुझे पैसा नहीं मिले ना, टोका कछु नहीं बांटे। 5-6 बजे फिर गई, रात के 2-2 बजे आ जाते हैं हम। हाँ। कछु नहीं। अभी कितने बजे आई? 6 बजे हमें जाएंगे आ गए। 6 बजे? हाँ। और अभी कितने? 10 बज रहे हैं। हाँ। अभी तक आपको अंदर नहीं जाने? हाँ, तो ढकिया देते हैं, ढकिया देते हैं हम। अच्छा, और हम क्या करें भाई? क्या नाम है आपका? चन्ना भाई। कहाँ से आई हो? बामोरी से। बामोरी शाह? हाँ, नहीं, बामोरी भीमा। बामोरी भीमा। यहाँ किस लिए आई हो बैंक में? सर, यहाँ 5 बार फिर चली। हाँ। आपकी 6वीं बार है। हाँ। पैसा हेरती हूँ तो ना कोई टोका मिलता है, न मन में लगी लगी धक्का लेकर पीछे हो जाओ तो ना कोई टोका है, ना कोई पैसा है, ना कोई बड़ा भीतर बढ़ गई दुख में तो बाहर निकाल गई। काहे के पैसे लेने जे सर जी? आ रहे 1-1 हजार रुपया खातन में, हमरे 2-2 हजार आए लाडली में और का। हाँ। तो हमें कोई निकरे नहीं है और ना हमें टोका। जहाँ सर जी जूता चप्पल में 500-500 रुपया टोका मिल रहा है, 500-500 रुपया ले रहा है, हमें कोई टोका नहीं है। जे टोका भारे जो जूता चप्पल टोका मांग रहा है, जे रखिए जी हमने ढेर कर रहा था, जे 2 हजार रुपया लगे थे, जे भाई से 2 हजार रुपया लगे थे, चप्पल जूता जे चप्पल जूता टोकअप मांग रहा है, हमें कोई टोकअप नहीं है सर। किसानों कोई टोकअप नहीं है, जूता चप्पल टोकअप है वो। राहुल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या मामला हो गया? आज सवेरे से हमारे पास फोन आ रहे थे, ये लोग कई दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं और इनका ना पैसा निकल पा रहा है। ये लाडली बहना योजना का कुछ इनका पैसा वैसा आया है? ये बहने खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, करीब 300-400 लोग यहाँ लाइन में लगे थे। और यहाँ हो क्या रहा है कि 40 टोकन देते हैं एक दिन के लिए, लेकिन कुछ लड़के, 2-3 लड़के ऐसे हैं जो यहाँ जूता चप्पल की लाइन लगा देते हैं और वो पहले ही टोकन ले जाते हैं। बाद में इन लोगों से कहते हैं कि 500-500 रुपए में हम टोकन बेच रहे हैं और लाइन से इनका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से यहाँ टोकन बेच दिए जाते हैं और ये लाइन में लगे लोग बार बार लौट जाते हैं। आज मेरे लिए 8-10 फोन आए और ये यहाँ की अव्यवस्था है। ये चूंकि व्यवस्था बैंक वालों को करना चाहिए, यहाँ पुलिस लगाना चाहिए या जिस तरीके से भी हो, ईमानदारी से ही टोकन बटना चाहिए। ये लोग बहुत परेशान हैं, रात भर पड़े रहते हैं और इनका पैसा नहीं निकलता। टोकन की ब्लैकमेलिंग या टोकन के पैसे ले कौन रहा है? ये तो ये बता रहा है कि कुछ लड़के आते हैं और वो कहते हैं और वो 5-5 टोकन बेच के चले जाते हैं, ये उन्हें जानते भी नहीं है, अपरिचित है इनके लिए। तो वो लोग